जय हिंद। आपके अपने चैनल न्यू स्टडी 24 के ब्रह्मास्त्र सीरीज के टेस्ट 33 का जो है हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। देखिए आज का 33 नंबर टेस्ट सीरीज का जो टॉपिक था वो था प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस। देखिए ये जो टॉपिक जो है यहाँ से जो बीपीएससी में जो है 5 से 6 बार जो है क्वेश्चन जो है आया हुआ है। देखिए अगर बात करें बायोलॉजी का बीपीएससी के रिलेटेड, तो देखिए बीपीएससी में जो है बायोलॉजी से रिलेटेड जो टॉपिक होते हैं उसमें जो है कहना जो है मुश्किल होता है। 2 से 3 टॉपिक ही है जहाँ से जो है हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत ऐसे टॉपिक है जहाँ से जो क्वेश्चन तो आते रहते हैं लेकिन ऐसा है कि वो जो है सीरीज से नहीं आता है। जैसा कि 66वीं 65वीं 64वीं इस सीरीज से नहीं आता, कभी पूछ देता है 65वीं में तो 53वीं में फिर 44वीं में, मतलब इतना का जो गैप जो है इससे जो है पूछा गया प्रकाश संश्लेषण से। हाँ लेकिन अगर इस पर जो आप कमांड कर लीजिएगा तो आपके लिए जो है यह जो है बहुत ही जो है हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि इसका पता ही नहीं है कि कब आएगा, कभी भी जो आपको जो है दे सकता है, तो आप इसे जो है इस टॉपिक को जो है छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए जो है आपको जो प्रकाश संश्लेषण टॉपिक जो है आपको जो अच्छी तरह से जो है आपको जो पता होना चाहिए। देखिए हम क्वेश्चन शुरू करें उससे पहले जो हम आपको जो है प्रकाश संश्लेषण के बारे में कुछ बता देते हैं। अगर आप इसे जो अच्छी तरह से अगर आप सुनिएगा तो निश्चित है कि आपसे जो है एक भी जो क्वेश्चन जो प्रकाश संश्लेषण से जो है नहीं छूटेगा। तो देखिए सबसे पहले बात आती है कि प्रकाश संश्लेषण है क्या। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है एक प्रक्रिया है। तो कौन सी प्रक्रिया है? तो देखिए पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो है एक प्रक्रिया है। अब बात कर ले कि इस प्रक्रिया में क्या होता है, तो देखिए इस प्रक्रिया में जो है पौधा जो है वायुमंडल से क्या करता है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है लेता है, और अगर बात करें तो भूमि से जो क्या करता है तो जल लेता है। क्या होता है इस प्रक्रिया में? तो वायुमंडल से लेता है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और भूमि से क्या करता है तो जल लेता है, और उसके पास जो है खुद का जो है उसके जो है पत्ती में जो है क्या रहता है तो क्लोरोप्लास्ट रहता है। उसी क्लोरोप्लास्ट में जो है उपस्थित रहता है क्या रहता है, क्लोरोफिल, जिसे जो है पर्णहरित भी कहा जाता है। तो उस पर्णहरित की उपस्थिति में वो क्या करता है तो सूर्य की प्रकाश को लेता है। क्या करता है? सूर्य की प्रकाश भी जो इसमें जो है जरूरी होता है, इसलिए वो क्या करता है तो वो सूर्य की प्रकाश लेता है और सूर्य की प्रकाश की सहायता से जो क्या करता है भोजन बनाता है। तो आपको पता हो गया कि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया होता है। कौन चीज़ का? तो पौधे द्वारा भोजन बनाने का। इस प्रक्रिया में क्या होता है तो पौधा क्या करता है तो वायुमंडल से जो CO2 ले लेता है और भूमि से जो है जल ग्रहण कर लेता है, और उसके पास तो खुद ही रहता है क्लोरोफिल रहता है। तो उस क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या करता है तो सूर्य से जो प्रकाश लेकर जो क्या करता है भोजन तैयार कर देता है। भोजन तैयार करने का मतलब क्या? सूर्य से जब प्रकाश लेकर जो भोजन तैयार करता है यानी कि सूर्य की प्रकाश को जो है यह प्रक्रिया क्या करता है तो रासायनिक ऊर्जा में जो है ट्रांसफर कर देता है यानी बदल देता है। तो इतना तो काम हुआ कि भोजन बनाता है, लेकिन इसके बाद भी जो है अपना तो भोजन बना लेता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के रूप में, इसके बाद भी जो है वह जो है हमें जो है लाभ देता है। क्या लाभ देता है? तो मनुष्य के लिए क्या करता है वो जो प्राण वायु जिसे जो आप लोग सुने होंगे कोविड के दौरान, तो वो प्राण वायु जिसे जो है ऑक्सीजन कहा जाता है वो दे देता है और जल का भी जो है निर्माण करता है। तो क्या होता है तो आपको पता हो गया कि CO2 लेता है, फिर जो है जल लेता है, और जो क्लोरोफिल की उपस्थिति और सूर्य की उपस्थिति में क्या करता है उत्पाद बनाता है, प्रोडक्ट बनाता है। तो जल बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है, और खुद के लिए जो भोजन भी तैयार कर लेता है जिसे जो कार्बोहाइड्रेट कहते हैं, या कहे तो एनर्जी भी कह सकते हैं, या उसे जो ग्लूकोज भी कह सकते हैं, इतना चीज़ कह सकते हैं। देखिए आपको जो है ऑक्सीजन से रिलेटेड जितना भी अगर आपको करंट अफेयर दिखाई दे तो आप जो जरूर उसको जो नोट डाउन कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन जो है कोविड सेकेंड वेव में जो है बहुत जो है चर्चा में रहा था, जैसे प्राणवायु क्या है, ऑक्सीजन एक्सप्रेस जो है कहाँ से कहाँ के बीच में जो है पहली बार चलाई गई थी। तो इस सब चीज़ को जो है करेंट अफेयर से रिलेटेड जो आपको जो याद रखना है, क्योंकि करेंट अफेयर अभी ये घटना घटी हुई है और यह तो साइंस का भी टॉपिक हो जाता है और जो करेंट के अफेयर से भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो है यह हो जाता है। ये अब ध्यान से सुनिए, अब बात कर लेते हैं कि यहाँ से जो है कितने टाइप के क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए यहाँ से अगर आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा तो आपको दिक्कत नहीं होगा, उसके बाद हम क्वेश्चन पर चलेंगे ही। तो देखिए यहाँ से क्वेश्चन इस टाइप का पूछा जाता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस जो है आवश्यक है। तो देखिए क्या करता था प्रकाश संश्लेषण के लिए, वो तो CO2 लेता था, कार्बन डाइऑक्साइड लेता था, और उसके बाद क्या लेता था तो जल लेता था। तो यहाँ पर बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है तो CO2। दूसरी जो क्वेश्चन बनाता है तो यहाँ पर इस टाइप का क्वेश्चन बना देता है कि प्रकाश संश्लेषण किसकी उपस्थिति में होगी तो क्लोरोफिल और सूर्य की
की प्रकाश की उपस्थिति में होगी। तीसरा जो पैटर्न बनता है यहाँ पे, यह पैटर्न बनता है कि प्रकाश संश्लेषण के बाद जो प्रोडक्ट के रूप में क्या बनेगा, मतलब उप उत्पाद के रूप में क्या बनेगा। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के बाद जो है प्रोडक्ट के रूप में जो कार्बोहाइड्रेट या कहे तो ग्लूकोज के है, या कह सकते हैं हम एनर्जी भी कह सकते हैं, क्योंकि भोजन का है बनाता है तो एनर्जी के लिए बनाता है, और उसके बाद जो ऑक्सीजन और H2O, तो इतना चीज बनता है। हम इसके डिफिनीशन से ही आपको बता रहे हैं, इतना टाइप का क्वेश्चन बन रहा है और भी बनेगा। चौथा क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से बना सकता है कि प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न जो होता है क्या होता है उत्पन्न, तो ऑक्सीजन होता है और वाटर होता है। तो वो बोल रहे हैं किसके माध्यम से जो वायुमंडल में छोड़ती है पेड़, तो किसके माध्यम से, तो पत्ती के माध्यम से। पांचवा पैटर्न इस तरह से बन सकता है कि क्लोरोफिल कहाँ उपस्थित रहता है, तो क्लोरोफिल जो है पादप के कोशिकांग में उपस्थित रहता है। पादप के कोशिकांग की बात करें तो कहाँ पे, तो क्लोरोप्लास्ट में। अगर क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो मतलब क्या, तो हरी पत्ती में रहती है। तो इस टाइप से जो क्वेश्चन बना सकता है, और उसके अलावा भी क्वेश्चन का पैटर्न है इसी डिफिनेशन से बना सकता है कि प्रकाश संश्लेषण होता कहाँ है, तो क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण दिन में होगा या रात में, तो दिन में होगा। कृत्रिम बल्ब में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, हाँ होगी, लेकिन उतना नहीं होगी जितना होना चाहिए। आप देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे किस क्रिया द्वारा जो भूमि से जल का अवशोषण करती है, तो परासरण द्वारा करती है। परासरण क्रिया द्वारा जो इस उत्तक के माध्यम से, तो जैलम उत्तक के माध्यम से। उसके अलावा जो पर्ण हरित में कौन सा तत्व रहता है, तो देखिए मैग्नीशियम रहता है। उसके अलावा पूछ सकता है प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी प्रकाश होना चाहिए, तो दृश्य प्रकाश होना चाहिए। इसमें भी क्या, तो देखिए तीन रंग का ही प्रकाश, दृश्य प्रकाश में बैंगनी नीला लाल। अगर बात करें कि सबसे ज्यादा कौन, तो देखिए नीला और लाल, और सबसे कम कौन, तो बैंगनी। इसके अलावा यहाँ से इस टाइप का भी क्वेश्चन बना सकता है कि कौन सी अभिक्रिया होती है प्रकाश संश्लेषण में, तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, यानी कि उपचयन और अपचयन। और प्रकाश तीव्रता बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की तीव्रता बढ़ने पर जो है घटेगा, और जो है घटने पर जो है क्या करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है बढ़ेगी। टेम्परेचर का इफेक्ट क्या पड़ता है, तो टेम्परेचर जब 0 से 37 डिग्री के बीच में रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण की दर जो है बढ़ेगी, और अगर 37 डिग्री से अधिक टेम्परेचर रहेगा तो क्या होगा, तो उसकी दर जो है घट जाएगी। जल की कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर पर क्या असर पड़ेगा, तो जल की कमी से प्रकाश संश्लेषण की दर क्या करेगा, तो घट जाएगा। तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन जो इसके डिफिनीशन से जो है, इसके अगर कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो आपको जो है कोई दिक्कत नहीं होगा, और हमें लगता है कि आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। तो अब ज़्यादा ना देर करते हुए अब चलते हैं आज के टेस्ट सीरीज के फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो देखिए आज के टेस्ट सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन था प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो कौन सी गैस आवश्यक है, तो CO2 गैस आवश्यक है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो D हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है कहाँ होता है, तो रात्रि में होता है कि दिन रात्रि में, चाहे दिन में अथवा रात्रि में, चाहे केवल दिन में, तो केवल दिन में होता है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन था पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, क्या कहलाती है, तो वही प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, उसी का इंग्लिश नाम दे दिया फोटोसिंथेसिस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, D हो जाएगा। अब देखिए चौथा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है, बोला कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो कहाँ पर होता है, अभी बताए थे कि क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण का उपोत्पाद है, बोला कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्या बनता है, तो क्या बनता था, तो ऑक्सीजन बनता था और जल बनता था, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, O2 हो जाएगा, यानी कि आंसर नंबर B हो जाएगा। अब छठा क्वेश्चन है अधोलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है, देखिए प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है तो क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन अगर छोड़ेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा या घटेगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है तो ऑटोमेटिक है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है क्या होगा, तो घट जाएगा, यानी कि मात्रा को नहीं बढ़ाएगा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को, तो कौन, तो प्रकाश संश्लेषण के जाकर द्वारा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। सातवां नंबर का क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन अधिकतम कुशलतापूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो कौन परिवर्तित कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा A हो जाएगा, क्लोरेला। देखिए अब क्लोरेला की बात कर लेते हैं, तो क्लोरेला क्या है, तो एक कोशिकीय हरित शैवाल है, क्या है, तो क्लोरेला जो है एक कोशिकीय जो है हरित शैवाल की प्रजाति है। इसके पास जो है दक्षता होती है क्या, तो ऊर्जा को बदलने की, कितना प्रतिशत होता है, तो उसके पास जो 8% होता है ऊर्जा बदलने की दक्षता। अब देखिए आठवां नंबर का क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश की कौन सी
रश्मियों का पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है लाल रंग को, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। वही अगर दिया रहता बैगनी तो बैगनी तो इसका आंसर हो जाता कम हो जाता। नवा नंबर का क्वेश्चन है, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उपस्थित होती है, बोला कि कहाँ पर उपस्थित होता है, तो कहाँ पर उपस्थित होता है, देखिए शैवालों में जो सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीजन जो है उपस्थित होता है। क्यों, तो देखिए पृथ्वी पर जो प्रकाश संश्लेषण का जो है जितना भी है परसेंटेज, उसका जो 90% भाग जो है जलीय पौधे और शैवालों के द्वारा ही होता है, और ज़्यादा जब इसके द्वारा होता है तो मतलब क्या, तो जितना प्रकाश संश्लेषण होगा 90% हो रहा है तो उसका ऑक्सीजन भी तो निकलेगा। तो इसी माध्यम से ये जो क्वेश्चन बनाया है कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन जो है उत्पादित होती है किसके द्वारा, तो शैवालों के द्वारा होती है। अब 10वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश के निम्नलिखित प्रकारों में से किनका जो पौधे द्वारा तीव्र अवशोषण होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो देखिए तीव्र किसके द्वारा होता है, तो लाल के द्वारा जो है तीव्र अवशोषण होता है, और जो है बैंगनी के द्वारा निम्न होता है, और लाल और नीला के द्वारा जो है तीव्र होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए 11वां नंबर का क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होती है क्या, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और उसके बाद क्या होता है, तो ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस जो है उपयोग की जाती है, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, कौन सी गैस उपयोग की जाती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है, तो यहाँ पर बोल रहे हैं कौन सी गैस उपयोग की जाती है, मतलब ले रही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। अब 13 नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरोफिल यानी कि पर्णहरित, आपको यहाँ पर याद रखना है पर्णहरित का मतलब होता है क्लोरोफिल, चकराना नहीं है, कन्फ्यूज नहीं होना है। तो वही पूछा है कि क्लोरोफिल में पाया जाता है क्या पाया जाता है, तो देखिए क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम पाया जाता है। अब 14 नंबर का क्वेश्चन है, कृत्रिम प्रकाश, बोल रहे हैं कि कृत्रिम प्रकाश की बात कर रहा है, तो हम क्या बताए थे कृत्रिम प्रकाश क्या करेगा, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया तो होता है उसमें, लेकिन क्या होता है बहुत ही धीमा होता है, उतना नहीं हो पाता जितना कि होना चाहिए, तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकती है, हाँ कृत्रिम प्रकाश से जो है प्रकाश संश्लेषण हो सकती है। अब देखिए 15 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्राप्तियम ऊर्जा स्थिति ऊर्जा में जो परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया जो होती है वो जो है दो चरण में होती है, कितने चरण में, दो चरण में, पहला चरण में जो है क्या होता है, इसमें जो प्रकाश ऊर्जा को जो रासायनिक ऊर्जा में बदल देती है, और दूसरा चरण में क्या होता है उससे बनने वाले जितने भी उत्पाद होता है उस उत्पाद से क्या होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम कर देता है, ऑक्सीजन का जब लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम हो जाएगा, तो ये सब होती है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब 16 नंबर का क्वेश्चन है, पौधे में फलों में मुख्य उत्तरदायी होता है, तो किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो हम बताए थे कि पौधे जो जल कौन चीज़ के द्वारा लेता है, तो फ्लोएम के द्वारा लेता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, आहार के वहन के लिए। अब 17 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक नहीं है, बोला कि आवश्यक नहीं है, तो देखिए यहाँ पर है पोटेशियम, तो पोटेशियम कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है ये सब जो है आवश्यक है, और सोडियम जो आवश्यक नहीं है। अब बोलेगा कि कैसे आप प्रूव कीजिएगा कि यह जो आवश्यक नहीं है, तो देखिए पौधे के विकास के लिए जो 17 तत्वों को जो चिन्हांकित किया है, कितने तत्वों को, 17 तत्वों को, इनमें जो है 9 तत्व जो है विरहित मात्रा में रहता है, और जो 7 तत्व जो है न्यूनतम मात्रा में रहता है, मतलब कम अमाउंट में रहता है, और विरहित मात्रा वाले जो तत्व होते हैं उसके अंतर्गत जो है कौन कौन चीज आ जाता है, तो N2 आ जाता है यानी कि नाइट्रोजन आ जाता है, फास्फोरस आ जाता है, पोटेशियम आ जाता है, कैल्शियम आ जाता है, हाइड्रोजन हो जाता है, ऑक्सीजन हो जाता है, कार्बन हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है, और सल्फर हो जाता है। तो आप यहाँ पे मिला ये कौन कौन चीज़ मिल रहा है, जो सब मिल जाएगा उसको छांट देना है, जो चीज़ नहीं मिलेगा विकास के लिए तो उसको जो है अलग कर लेना है, तो कौन चीज़ नहीं मिला इसमें, तो सोडियम नहीं मिला, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा सोडियम। अब देखिए 18वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा इनुसिलिन। क्यों, तो देखिए इंसुलिन जो है एक जंतु हार्मोन है, देखिए हार्मोन भी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं पादप हार्मोन और एक होते हैं जंतु हार्मोन। अब बोलेगा कि पादप हार्मोन क्या होता है, तो देखिए पादप हार्मोन का परिभाषा होता है जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होते हैं, उसे जो है पादप हार्मोन कहा जाता है। अब 19 नंबर का क्वेश्चन है, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, मतलब बोल रहा है जब पेड़ पौधे जहां पर आता है वहां पर जब सूखा पड़ने लगता है तो उससे संबंधित कौन सा हार्मोन जो पेड़ पौधा जो रिलीज करता है और उसके द्वारा जो है वो जो नमी को बनाए रखता है अपने लिए, इसका आंसर ए हो जाएगा एब्सिसिक अम्ल। वो क्या क्या करता है, जब वहाँ का जो वातावरण जब जो है शुष्क होने लगता है, सूखा होने लगता है, तो वो क्या करता है ये जो है अम्ल को जो है स्राव करता है और उसके माध्यम से जो है जितना भी जल रहता है उसको जो है अपना जो है रख लेता है।
जो कि बाद में जो है उसे जो है काम आएगा। अब देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन है, वास्पोर्ट सर्जन होता है, बोल रहा है कि कहाँ पर जो है वास्पोर्ट सर्जन होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ तना से, जड़ों से, पत्तियों से, सभी से, तो देखिए इसका आंसर जो है सभी हो जाएगा। क्यों? तो तना, पत्ती और जड़ सभी जगह से जो वास्पोर्ट सर्जन जो है कर सकता है पेड़ पौधा। अब देखिए 21वां क्वेश्चन है, वास्पोर्ट सर्जन में होता क्या है, तो क्या होता है वास्पोर्ट सर्जन में, तो वास्पोर्ट सर्जन में यही ना होता है कि पत्तियों से पानी क्या करता है, वाष्प के रूप में जो निकल जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। अब देखिए 22वां नंबर का क्वेश्चन है कि वास्पोर्ट सर्जन यंत्र है, बोल रहा है कि कौन सा यंत्र है, तो देखिए वास्पोर्ट सर्जन जो यंत्र है उसका नाम क्या होता है, पोटोमीटर, क्या होता है, पोटोमीटर, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, पोटोमीटर। अब देखिए 23वां नंबर का क्वेश्चन है, पौधे में वास्पोर्ट सर्जन की क्रिया किस में होती है, तो किस में होती है, तो दिया हुआ है जड़ में, तना में, पत्ती में, पूरा पौधा में, तो जड़, तना, पत्ती तो होता ही है, और इन तीन चीज़ों को ही तो पौधा नाम देते हैं, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पूरा पौधा। अब देखिए 24 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषी अंगक है, बोल रहा है कि कौन जो है प्रकाश संश्लेषी अंगक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, हरित लवक, जिसे जो हम क्या कहते हैं क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, उसी में ना प्रकाश संश्लेषण होता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अब देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण होता है, बोल रहा है कि प्रथम चरण क्या होता है, तो क्या होता है, अभी हम बताए थे कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का प्रथम चरण में क्या होता है, सूर्य के प्रकाश द्वारा जो है क्लोरोफिल को जो है उत्तेजित करता है, मतलब वहाँ पर जो है बनाता है, रासायनिक ऊर्जा में जो चेंज करता है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए 26 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या जो बाहर निकलता था, देखिए हाइड्रोजन बाहर निकलता है, नहीं निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, नहीं निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, हाँ ऑक्सीजन निकलता है, डी नंबर क्लोरीन निकलता है, नहीं निकलता, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा। अब देखिए 27 नंबर का क्वेश्चन है, पत्तियों के दो मुख्य काज होते हैं, बोल रहा है पत्तियों का क्या काज होता है, इस पे ऑप्शन दिया हुआ वास्पोर्ट सर्जन व श्वसन, फिर दिया श्वसन व पाचन, तीसरा दिया प्रकाश संश्लेषण व श्वसन, और दिया हुआ है डी नंबर प्रकाश संश्लेषण व वास्पोर्ट सर्जन, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या करता है पत्तिया, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है, उसके बाद जो है छोड़ देता है, किसके द्वारा, तो वास्पोर्ट सर्जन के द्वारा, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब देखिए 28 नंबर का क्वेश्चन है, वह दशा जिसमें वास्पोर्ट सर्जन अधिक तेजी से होगा वो क्या होती है, तो वो क्या होती है, तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, निम्न नमी व ऊंचा तापमान, कम नमी है, और जब कम नमी होगा तो क्या होगा, तापमान उसका क्या हो जाएगा, हाई ही रहता है ना, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब 29 नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित की भूमिका क्या है, तो पर्णहरित किसको कहा जाता है, तो क्लोरोफिल को कहा जाता है, तो ऑप्शन देखिए जल का अवशोषण, फिर दूसरा है प्रकाश का अवशोषण, तीसरा है CO2 का अवशोषण, और चौथा है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण ना करता है क्लोरोफिल, तभी तो वहाँ पर जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब देखिए 30वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस को क्या नाम है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो कौन सी गैस निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, नहीं निकलती है, ऑक्सीजन निकलती है, हाँ निकलती है, नाइट्रोजन निकलती है, नहीं निकलती है, हाइड्रोजन निकलती है, नहीं निकलती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अब देखिए 31वां नंबर का क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण के जो प्रथम चरण होता है उसमें क्या होता है, बोल रहा है कि प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक क्या है, मतलब बोल रहा है कि कौन सा यौगिक है जो अस्थिर रह जाता है, उसके पास जो है पौधा के पास जो है वो रह जाता है, वो जो वायुमंडल में नहीं जा पाता है, तो क्या होता है, तो ग्लूकोज या कहे तो कार्बोहाइड्रेट, बताए थे ना कि प्रोडक्ट के रूप में कार्बोहाइड्रेट निकलता है और जल निकलता है और ऑक्सीजन निकलता है, कार्बोहाइड्रेट को ही हम क्या कर सकते हैं, तो ग्लूकोज भी कर सकते हैं, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ग्लूकोज। तो जितने भी क्वेश्चन थे 31 क्वेश्चन सारे को जो हम एक्सप्लेन कर दिए, अब बोलेगा कि एक्सप्लेन तो आप किए नहीं, आप तो सिर्फ आंसर बताए, आप शुरू में अच्छी तरह से अगर समझ जाइएगा तो इसमें जो कोई दिक्कत नहीं होगा, ये हमारा वादा है। तो इसलिए आज के लिए बस इतना ही, चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डेज में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।